एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल लीगल इंक। ये थर्ड वीडियो है पोजेशन के टॉपिक पर। इससे पहले की दो वीडियोस में हमने पोजेशन इन फैक्ट एंड पोजेशन इन लॉ डिस्कस कर लिया है और सेविग्नी की थ्योरी भी हमने पढ़ ली है, एज वेल एज वी हैड कवर्ड द एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन इन अर्लियर वीडियो। एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द सालमन्स थ्योरी ऑन पोजेशन एंड काइंड्स ऑफ पोजेशन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सालमन्स थ्योरी। सालमन ने क्या कहा है पोजेशन के बारे में? तो सेविग्नी की थ्योरी हमने पढ़ी थी। सेविग्नी ने जो थ्योरी दी है वो एक रोमन ज्यूरिस्ट पॉल के एक टेक्स्ट पर बेस्ड है और सेविग्नी ने अपनी थ्योरी में पोजेशन के लिए फिजिकल पावर पर जोर दिया है। एंड फिजिकल पावर फॉर वॉट? फिजिकल पावर टू एक्सक्लूड अदर्स। तो सेविग्नी ने कॉर्पस पोजेशनिस का कंसेप्ट दिया और दूसरा पॉइंट था सेविग्नी की थ्योरी में एनिमस डोमिनी का। तो एनिमस डोमिनी से सेविग्नी का मतलब है एन इंटेंशन टू होल्ड एज एन ओनर। सो लेट्स सी व्हाट सालमन सेड अबाउट पोजेशन इन हिज थ्योरी। सालमन ने सबसे पहले पोजेशन इन फैक्ट और पोजेशन इन लॉ की बात की है। पोजेशन इन फैक्ट होता है एक्चुअल कंट्रोल ओवर अ थिंग एंड पोजेशन इन लॉ मीन्स पोजेशन विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। तो सालमन सिर्फ पोजेशन इन फैक्ट को ही पोजेशन मानते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ पोजेशन इन फैक्ट ही एक्चुअल में पोजेशन है, क्योंकि पोजेशन इन लॉ को स्टैब्लिश या आइडेंटिफाई करने के लिए भी पोजेशन इन फैक्ट की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि सालमन ये मानते हैं कि जिसके पास एक्चुअल में कब्जा है, लॉ भी उसी के पोजेशन को रिकॉग्नाइज करता है। और सालमन के अकॉर्डिंग पोजेशन इन लॉ एक फिक्टिशियस कंसेप्ट है। आफ्टर दैट सालमन हैड डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन पोजेशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड द पोजेशन ऑफ इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स। तो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के पोजेशन को सालमन ने कॉर्पोरल पोजेशन कहा है एंड मटेरियल थिंग्स के पोजेशन को इनकॉर्पोरल पोजेशन कहा है। तो पहले हम देखते हैं कि कॉर्पोरल पोजेशन किसे कहते हैं। मटेरियल या फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को एक्सक्लूसिवली यूज़ करने के क्लेम को कॉर्पोरल पोजेशन कहते हैं। एंड कॉर्पोरियल पोजेशन इज कंसिस्ट ऑफ टू मेन एलिमेंट्स। द फर्स्ट इज कॉर्पस पोजेसनिस एंड द अदर इज एनिमस पॉजिडेंटी। इन दोनों को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद है इनकॉर्पोरियल पोजेशन। इंटेंजिबल थिंग्स जैसे ट्रेडमार्क, गुडविल, राइट टू पासेज, इन सब की पोजेशन को इनकॉर्पोरियल पोजेशन कहते हैं। और एक कंडीशन है इनकॉर्पोरियल पोजेशन के होने के लिए कि आप उस राइट को कंटिन्यूसली यूज़ करते रहे हों। जैसे राइट ऑफ पासेज है, आपका किसी और की प्रॉपर्टी पर फिजिकल कंट्रोल नहीं है और उसका पोजेशन भी नहीं है, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी से गुजरने के लिए पासेज का राइट है आपके पास। और राइट टू पासेज आप तभी इस्टेब्लिश कर सकते हैं जब आप कंटिन्यूसली उस पासेज को यूज़ करते रहे हों। अब सालमन ने कॉर्पोरियल पोजेशन को दो एलिमेंट्स या इंग्रेडिएंट्स बताए हैं कॉर्पोरियल पोजेशन के। द फर्स्ट इज कॉर्पस पोजेशन एंड सेकेंड इज एनिमस पॉजिडेंटी। तो सालमन के अकॉर्डिंग पोजेशन इज इक्वल टू कॉर्पस पोजेशन प्लस एनिमस पॉजिडेंटी। यानी कि पोजेशन होने के लिए पोजेसर का ऑब्जेक्ट पर कंट्रोल होना चाहिए और वो उस ऑब्जेक्ट को एक्सक्लूसिवली यानी कि सिर्फ अपने लिए यूज़ कर सकता हो, प्लस उस ऑब्जेक्ट को एक्सक्लूसिवली यूज़ करने की उसकी इंटेंशन भी हो। सो कॉर्पस पोजेशन मीन्स कंटिन्यूस एक्सक्लूजन ऑफ एन एलियन इंटरफेरेंस। दैट मीन्स अगर आपके पास कॉर्पस पोजेशन है तो आप दूसरे पर्सन को अपनी चीज़ को इंजॉय करने से रोक सकते हो और आप जब चाहो तब आप दूसरे पर्सन को एक्सक्लूड कर सकते हो। दैट मीन्स जब तक आपके पास प्रॉपर्टी या ऑब्जेक्ट है तब तक आप दूसरे पर्सन को उस प्रॉपर्टी या ऑब्जेक्ट को यूज़ करने से रोक सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी कोई कीमती ज्वेलरी एक बॉक्स में बंद करके रख देते हो, तो यहाँ आप अपनी ज्वेलरी को कंसील करके दूसरे लोगों को उसे यूज़ करने से रोक सकते हो।
और खुद भी जब चाहे उसे यूज़ कर सकते हो. द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ पोजेशन इज एनिमस पॉजिटेंडी. ये एलिमेंट सेविग्नी की थ्योरी से काफ़ी मिलता जुलता है. जो सेविग्नी की थ्योरी में दूसरा एलिमेंट सेविग्नी ने बताया है एनिमस डोमिनी, उसी को सालमन ने थोड़ा और इलैबोरेट किया है. सो एनिमस पॉजिटेंडी मीन्स दैट देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम यूजिंग द प्रॉपर्टी. आपकी इंटेंशन भी ज़रूरी है. इंटेंशन भी होनी चाहिए कि आप अपनी ज्वेलरी को किसी को यूज़ नहीं करने देना चाहते. नाउ देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमस. इंटेंशन होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है. द फर्स्ट पॉइंट इज द इंटेंशन टू क्लेम नीड नॉट बी राइटफुल और लीगल. तो ये ज़रूरी नहीं है कि पोजेशन के लिए इंटेंशन लीगल या राइटफुल हो. एक थीव के पास भी चोरी की हुई ऑब्जेक्ट का रियल ओनर की तरह ही पोजेशन होता है. तो अगर रियल ओनर उस ऑब्जेक्ट को क्लेम नहीं करेगा तो थीव का ही पोजेशन माना जाएगा उस ऑब्जेक्ट पर. रियल ओनर के अलावा और किसी पर्सन का राइट नहीं है उस ऑब्जेक्ट पर और कोई पर्सन थीव से क्लेम नहीं कर सकता. द सेकेंड पॉइंट इज द क्लेम ऑफ द पोजेसर मस्ट बी एक्सक्लूसिव. पोजेसर का अपनी प्रॉपर्टी या ऑब्जेक्ट पर पूरा क्लेम होना चाहिए. पोजेसर की इंटेंशन होनी चाहिए कि उसके अलावा और कोई उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ ना करें. जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिस पर मिस्टर एक्स का राइट टू पासेज भी है, तो मिस्टर एक्स का राइट टू पासेज तो है लेकिन एक्सक्लूसिव क्लेम नहीं है आपकी प्रॉपर्टी पर. यानी कि मिस्टर एक्स आपकी प्रॉपर्टी को ना तो यूज़ कर सकते हैं और ना ही मिस्टर एक्स दूसरे लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी यूज़ करने से, लेकिन आप एक्सक्लूड कर सकते हो. द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज द एनिमस और इंटेंशन नीड्स नॉट बी अ क्लेम ऑन वंस ओन बिहाफ. यानी कि एनिमस पॉजिटेंडी इंटेंशन टू एक्सक्लूड अदर्स होने के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप खुद ही सारी चीज़ें पोजेस करो. कोई भी आपकी जगह आपकी चीज़ें पोजेस कर सकता है. जैसे सर्वेंट, एजेंट, बेली, ट्रस्टी, ये सब भी दूसरों को आपकी प्रॉपर्टी से एक्सक्लूड करने की इंटेंशन रख सकते हैं. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द एनिमस और द इंटेंशन नीड नॉट अमाउंट टू अ क्लेम टू यूज़ इट एज इन ओनर. जैसे टेनेंट और बेली के केस में टेनेंट रियल ओनर नहीं है प्रॉपर्टी का, लेकिन क्योंकि टेनेंट या बेली प्रॉपर्टी को ओनर की तरह यूज़ नहीं कर सकते, बट टेनेंट या बेली हैव द इंटेंशन टू एक्सक्लूड अदर्स. दैट्स व्हाई टेनेंट और बेली के पास भी पोजेशन होता है. द फिफ्थ पॉइंट इज द एनिमस नीड नॉट बी स्पेसिफिक बट मे बी जनरल. जैसे आपके पास लाइब्रेरी है तो हर एक बुक आपकी होगी, चाहे आपको स्पेशली पता ना हो कि आपके पास कितनी बुक है और कौन कौन सी बुक्स हैं. इसलिए हर एक बुक के लिए स्पेसिफिक इंटेंशन होना ज़रूरी नहीं है, जनरल इंटेंशन भी काफ़ी है. तो ये थी सालमन की पोजेशन थ्योरी, जिसमें सालमन ने पोजेशन इन फैक्ट और पोजेशन इन लॉ की बात की. इसके बाद सालमन ने पोजेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, कॉर्पोरियल पोजेशन एंड इनकॉर्पोरियल पोजेशन. और कॉर्पोरियल पोजेशन के दो एलिमेंट्स कॉर्पस पोजेशन एंड एनिमस पॉजिटेंडी बताए हैं. तो सालमन भी सेविग्नी की तरह कॉर्पस और एनिमस को ही पोजेशन मानते हैं, और पोजेशन होने के लिए इन दोनों एलिमेंट्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी है. लेकिन जी विलियम्स ने सालमन के इस पॉइंट को चैलेंज किया है और विलियम्स कहते हैं अगर आपके पास किसी चीज़ का पोजेशन एक बार आ जाए तो फिर चाहे आपके पास कॉर्पस या एनिमस ना भी हो तो भी पोजेशन रहता है. द नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ पोजेशन एंड द फर्स्ट इज कॉर्पोरियल पोजेशन. एज आई टोल्ड यू बिफोर, कॉर्पोरियल पोजेशन क्या है? मटेरियल ऑब्जेक्ट के पोजेशन को कॉर्पोरियल पोजेशन कहते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, बुक्स. और कॉर्पोरियल पोजेशन के लिए क्या होना ज़रूरी है? एक तो आप दूसरे पर्सन के इंटरफेरेंस को रोक सकते हो, एंड सेकेंडली आप अपनी प्रॉपर्टी को जब चाहे तब बिना किसी और की इंटरफेरेंस के उसे यूज़ कर सकते हो. और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप उसे कंटिन्यूसली यूज़ करो. अगर आपका कोई सामान आपने लॉकर में रख दिया है और आप उसे यूज़ नहीं करते, तब भी उस ऑब्जेक्ट पर आपका ही पोजेशन है. और कॉर्पोरियल पोजेशन आपका और आपके ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन बताता है, दैट यू हैव राइट ओवर दैट ऑब्जेक्ट. द सेकेंड टाइप ऑफ पोजेशन इज इनकॉर्पोरियल पोजेशन.
इनकॉर्पोरियल पोजेशन उस पोजेशन को कहते हैं जो इमटेरियल थिंग्स पर होता है, जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल एक्सेट्रा, और एक्चुअल कंटिन्यूस यूज़ एंड एन्जॉयमेंट ऑफ दैट इमटेरियल ऑब्जेक्ट इज़ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ इनकॉर्पोरियल पोजेशन। तो जब आप कंटिन्यूसली किसी चीज़ को यूज़ करेंगे तभी आपका पोजेशन माना जाएगा, जैसे राइट ऑफ पासेज। तो राइट ऑफ पासेज को जब आप कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करेंगे तभी आपका राइट माना जाएगा। तो कॉर्पोरियल पोजेशन एक तरह से एक राइट है। द नेक्स्ट काइंड ऑफ पोजेशन इज मीडिएट पोजेशन। मीडिएट पोजेशन इज दैट पोजेशन विच इज़ हेल्ड बाय वन मैन थ्रू अनदर, यानी कि जहाँ एक पर्सन का पोजेशन किसी दूसरे पर्सन के थ्रू हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने फ्रेंड से कोई चीज़ परचेज करने के लिए कहते हो, सपोज़ बुक ही परचेज करने के लिए कहते हो, आपका फ्रेंड मार्केट में है, आप फ़ोन करते हो और बोलते हो कि एक बुक मेरे लिए भी परचेज कर लाना। तो वो बुक जब तक आपके फ्रेंड के पास है तब तक उस पर आपका सिर्फ मीडिएट पोजेशन है, इनडायरेक्ट पोजेशन है। तो मीडिएट पोजेशन को हम इनडायरेक्ट पोजेशन भी कहते हैं। सो मीडिएट पोजेशन तीन तरह से हो सकता है। फर्स्ट इज़ द ओनर हैज़ पोजेशन थ्रू एन एजेंट और सर्वेंट हु एक्वायर्स एंड रिटेन पोजेशन ऑफ अ थिंग एंटायरली ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर विदाउट क्लेमिंग एनी इंटरेस्ट फॉर हिमसेल्फ। जैसे मास्टर का पोजेशन सर्वेंट के थ्रू होता है, प्रिंसिपल का पोजेशन एजेंट के थ्रू होता है। द सेकेंड टाइप ऑफ मीडिएट पोजेशन इज वेयर एन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बाय अ पर्सन हु होल्ड्स इट ऑन हिज ओन अकाउंट as well as on another account but recognizes the superior right of the latter and who can obtain it whenever he chooses to demand। जैसे आप किसी से कोई बुक या कार या कोई भी और चीज़ बोरो करते हो तो आपके पास बुक का मीडिएट पोजेशन है, आप किसी और के थ्रू बुक आपके पास है। तो जहाँ पर फैक्चुअल पोजेशन तो आपके पास है लेकिन उस पर सुपीरियर राइट किसी और का है, जैसे बोरोअर के केस में, हायरर के केस में, टेनेंट के केस में, वहाँ पर मीडिएट पोजेशन होगा। इसके बाद है थर्ड टाइप ऑफ मीडिएट पोजेशन विच एग्जिस्ट वेयर द इमीडिएट पोजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज विद द पर्सन हु हैज़ अ क्लेम ओवर द ऑब्जेक्ट अंटिल सम टाइम हैज़ बीन इलैप्स्ड और हैज़ बीन फुलफिल्ड और सम कंडीशन हैज़ बीन फुलफिल्ड। तो थर्ड कैटेगरी में उन केसेस पर एप्लीकेबल है थर्ड कैटेगरी जहाँ प्रॉपर्टी कुछ टाइम के बाद उसके रियल ओनर को लौटानी होती है, जैसे कोई प्रॉपर्टी सिर्फ फिक्स टाइम के लिए रेंट पर दी गई हो, या मॉर्टगेज के केस में जब डेब्ट पूरा देने के बाद मॉर्टगेजर को प्रॉपर्टी वापस करनी होती है तो उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्रॉपर्टी के रियल ओनर का मीडिएट पोजेशन होता है। सो सम राइटर्स सेड दैट मीडिएट पोजेशन सिर्फ कस्टडी है और पोजेशन नहीं है। तो ये एक दूसरा एस्पेक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ टाइप ऑफ पोजेशन विच इज़ इमीडिएट पोजेशन। इमीडिएट पोजेशन मीन्स जहाँ आपने पोजेशन डायरेक्टली या पर्सनली एक्वायर किया हो उसे ही इमीडिएट पोजेशन कहते हैं। और इमीडिएट पोजेशन को डायरेक्ट या प्राइमरी पोजेशन भी कहते हैं। जैसे अभी जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए उनमें मास्टर का मीडिएट पोजेशन है लेकिन सर्वेंट का इमीडिएट पोजेशन है, क्योंकि सर्वेंट का डायरेक्ट कंट्रोल है ऑब्जेक्ट पर, एक्चुअल कंट्रोल सर्वेंट के पास है ऑब्जेक्ट का, इसीलिए सर्वेंट या एजेंट या फिर बेली के केस में इमीडिएट पोजेशन होगा। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ पोजेशन इज कॉन्करेंट पोजेशन, जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोगों का पोजेशन एक ही ऑब्जेक्ट पर हो और एक ही टाइम पर हो उसे कॉन्करेंट पोजेशन कहते हैं, लेकिन उनके क्लेम्स एडवर्स नहीं होने चाहिए। अगर उनके क्लेम या राइट्स उस ऑब्जेक्ट या उस प्रॉपर्टी पर एडवर्स हैं तो फिर कॉन्करेंट पोजेशन नहीं होगा वो। सो कॉन्करेंट पोजेशन मीन्स टू पोजेस द सेम थिंग एट द सेम टाइम विद नो एडवर्स क्लेम्स टू ईच अदर। एग्जाम्पल ऑफ कॉन्करेंट पोजेशन इज जैसे कि ए के पास एक प्रॉपर्टी है जिस पर बी का राइट टू पासेज भी है, तो इस केस में दो लोगों के पास एक ही टाइम में एक ही प्रॉपर्टी पर
पोजेशन है लेकिन एडवर्स इंटरेस्ट या एडवर्स क्लेम नहीं है दोनों का। लाइकवाइज सर्वेंट और मास्टर का पोजेशन, दो लोगों का कॉमन पोजेशन भी कॉन्करेंट पोजेशन है। तो कॉन्करेंट पोजेशन में मीडिएट और इमीडिएट पोजेशन भी साथ हो सकते हैं और कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल पोजेशन भी साथ हो सकते हैं। जैसे राइट टू पासेज के केस में कॉर्पोरल पोजेशन ए के पास है और इनकॉर्पोरल पोजेशन बी के पास है। सर्वेंट और मास्टर के केस में मीडिएट पोजेशन सर्वेंट के मास्टर के पास है और इमीडिएट पोजेशन सर्वेंट के पास है। इसके बाद सिक्स्थ टाइप ऑफ पोजेशन इज कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन इज अ पोजेशन इन लॉ बट नॉट इन फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपका वेजिटेबल सेल करने का बिजनेस है और आप अपने वेजिटेबल्स वेयर हाउस में रखते हो और जब कोई परचेजर आता है तो आप उसे वेयर हाउस की चाबी दे देते हो, तो परचेजर के पास कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है। लाइकवाइज टेनेंट को घर की कीज देना भी कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है। सिर्फ राइट का ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट का पोजेशन नहीं दिया है आपने यहाँ पर, पोजेशन इन फैक्ट नहीं है यहाँ टेनेंट के पास, तो इसीलिए इसे कंस्ट्रक्टिव पोजेशन कहेंगे, जहाँ पर सिर्फ लीगल राइट ट्रांसफ़र हो गया हो लेकिन फैक्ट ऑफ पोजेशन ट्रांसफ़र नहीं हुआ हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ पोजेशन इज एडवर्स पोजेशन। तो ये तो पता ही होगा, एडवर्स पोजेशन मीन्स द पोजेशन ऑफ वन पर्सन अगेंस्ट दैट ऑफ अनदर। द फर्स्ट मेंशन पर्सन क्लेम्स द एक्सक्लूसिव राइट टू द अनदर इफ द क्लेमेंट हु इज एक्चुअली इन पोजेशन कैरीज ऑन विद अनब्रोकन पोजेशन ऑफ अ पीरियड एंड ओपनली ही गेट्स अ टाइटल और अ राइट ऑफ ओनरशिप टू दैट लैंड। सपोज मिस्टर एक्स मिस्टर वाई की प्रॉपर्टी पर 20 सालों से रह रहे हैं और मिस्टर वाई मिस्टर एक्स से कुछ नहीं कहते, आप मेरी प्रॉपर्टी पे क्यों रह रहे हो, रेंट दो मुझे या कुछ भी, उनको कोई इंटरफेयर नहीं करते उनके रहने पर। तो 20 साल के बाद या 12 साल के बाद, जो भी टाइम पीरियड का लिमिटेशन होगा, उसके बाद मिस्टर एक्स का वहाँ पर राइट ऑफ ओनरशिप क्रिएट हो जाएगा अपने आप, उसे ही एडवर्स पोजेशन कहते हैं। तो तीन चीज़ें ज़रूरी हैं एडवर्स पोजेशन के लिए। फर्स्ट इज़ कंटिन्यूटी, मिस्टर एक्स कंटिन्यूसली 12 साल या 20 साल तक रहे हो मिस्टर वाई की प्रॉपर्टी पर। सेकंड इज़ एडिक्वेट पब्लिसिटी, ओपनली रह रहे हो, ऐसा नहीं है कि मिस्टर वाई को नहीं पता या बाकी सब लोगों को नहीं पता। थर्ड इज़ पीसफुल एंड अनडिस्टर्ब पोजेशन, तो डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहिए। अगर पिछले 20 सालों में एक बार भी मिस्टर वाई को प्रॉब्लम हुई हो और मिस्टर वाई ने इंटरफेयर किया हो एक्स के वहाँ रहने पर, तो फिर एक्स का एडवर्स पोजेशन का राइट चला जाएगा। द नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव पोजेशन, इन विच द ओनर हैज़ अ पोजेशन ऑफ अ थिंग थ्रू एन एजेंट और अ सर्वेंट। द रियल पोजेशन इज दैट ऑफ द एक्चुअल ओनर, नॉट दैट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सपोज आप अपने सर्वेंट को कुछ चीज़ें खरीदने के लिए कहते हो और वो उसे खरीद कर लाता है, तो तब तक वो चीज़ें उसके पास है और मनी जो आपने उसे उसकी पॉकेट में दिया है वो सर्वेंट के पोजेशन में नहीं है, वो आपके ही पोजेशन में है, वो सिर्फ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल कंट्रोल आपका है वहाँ पर। द एसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पोजेशन लाइज इन द फैक्ट दैट मास्टर हैज़ द एनिमस टू एक्सरसाइज, यानी कि मास्टर के पास एनिमस है, इंटेंशन है कि वो कंट्रोल कर सकता है, जब चाहे सर्वेंट को मना कर सकता है कि जो चीज़ मैंने आपको लाने के लिए बोली है उसे मत खरीद। द नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ पोजेशन इज डेरिवेटिव पोजेशन। डेरिवेटिव पोजेशन इज वेयर द होल्डर ऑफ द थिंग विच कंबाइंस इन हिमसेल्फ बोथ द फिजिकल एंड मेंटल एलिमेंट्स विच अल्टीमेटली कंस्टिट्यूट लीगल पोजेशन, जैसे कि क्रेडिटर के केस में। या फिर एक और एग्जांपल ले लो, सपोज आप अपनी वॉच एक शॉप पर ठीक करने के लिए देते हो, अब जो शॉपकीपर है उसके पास आपकी घड़ी का डेरिवेटिव पोजेशन है, जब तक आप उसे रिपेयर चार्जेस नहीं दे देते तब तक उस वॉच पर शॉपकीपर का ही राइट होगा और उसी का पोजेशन माना जाएगा। और अगर आप अपनी ही वॉच को उस शॉपकीपर से ज़बरदस्ती फोर्सिबली उससे ले लेते हो बिना पेमेंट किए, तो यहाँ पर आपके ऊपर थेफ्ट का केस लग सकता है।
सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोजेशन, और इस टॉपिक में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं. सिर्फ एक राइट ऑफ द ओनर और मोड्स ऑफ ट्रांसफरिंग का सब टॉपिक रह गया है, वो ईजी है इसलिए मैं उस पर वीडियो नहीं बना रही हूँ. लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में मैंशन कर सकते हैं, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट. और अगर आपको कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं. और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को. वीडियो में कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय.